महंगाई ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। अब सरसों के तेल की कीमतें आजकल आसमान छू रही हैं। गौर करने वाली बात है कि सरसों के तेल की कीमतें कुछ ही दिनों में तेजी से बढ़ चुकी हैं। देश के कई राज्यों में सरसों के तेल की कीमतें 200 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो चुकी हैं। बीते एक साल में सरसों के तेल की कीमतों में लगभग 70 से 80% से अधिक की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 दिसंबर 2020 को सरसों के तेल की कीमत 136 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं 1 दिसंबर 2021 को दिल्ली में सरसों का तेल 203 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। दामों में 70 से 80% की बढ़ोतरी हो चुकी है। दामों में पिछले एक साल में 67 रुपये प्रति लीटर तक तेज हो चुके हैं। उससे पहले 2019 से 2020 में सरसों के तेल के दाम में 50% की बढ़ोतरी हुई थी। सरसों के तेल के बढ़ते दाम आपके खाने की थाली पर असर डालने लगे हैं। बढ़ती कीमतों के कारण आम परिवारों ने इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे लगभग कम ही कर दिया है। देश में खाद्य तेलों का ज्यादातर हिस्सा आयात किया जाता है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए बेसिक ड्यूटी घटा दी है। इसमें कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा खाद्य तेलों के दाम काबू में रखने के लिए पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन के तेल पर लगने वाले आयात शुल्क को भी ठीक किया गया था। इसका असर कीमतों पर नजर आया, लेकिन बहुत ज़्यादा असर दाम कम होने पर नज़र नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।